गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टू डेज क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन एट योर होम। स्टूडेंट्स, आज हम रेनबो वाली बुक में वर्क करेंगे। रेनबो वाली बुक में हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 56 किया था। पेज नंबर 56 पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। कल मैम ने बताई थी ना लास्ट क्लास में आपको, आपने कंप्लीट किया अपनी वर्कबुक में? अगर नहीं किया है तो आप कंप्लीट करिएगा। ओके, फिर आज हम करेंगे पेज नंबर 57 पर वर्क। पेज नंबर 57 पर क्या है आज? ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा है ये, छोटे ऊ की मात्रा जो सीधी लगती है। ठीक है, कैसे लगती है? इधर सीधी। ये पेज नंबर 57 है आपका। अब हम ये पेज करेंगे। ऊ की मात्रा वाले शब्द मैम ने आपको पहले भी करवा रही है। मैम हिंदी वाली क्लास में करवा रहे हैं ना ऊ की मात्रा के, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ बना हुआ है ब, ब में ऊ की मात्रा बु, ल, ब में ऊ की मात्रा बु, ल, बुल बुल। तो आपको क्या करना है, इसे पहले इसकी रीडिंग लगाएंगे, फिर डॉट पर, फिर विदाउट डॉट। ठीक है, तो यहाँ देखो ये रही बुलबुल। ये एक पक्षी होता है जो स्काई में फ्लाई करता है। ठीक है, ये एक पक्षी है बुलबुल, जैसे कि क्रो, पैरट होते हैं ना, वैसे ही बुलबुल है। ग, ग में की मात्रा गु, ड, ड में की मात्रा डी, यम की मात्रा या, गुड़िया। ये रही डॉल। डॉल होती है ना गुड़िया, जिससे हम घर पर प्ले करते हैं। सारी गर्ल्स तो प्ले करती है गुड़िया से, तो ये वही है। मम्मी की मात्रा मू, न, नमी की मात्रा नी, मूनी। ये देखो ऋषि मुनि होते हैं ना, हम देखते हैं ना ऋषि मुनि को, ये वही है। ये है मम्मी की मात्रा मू, कमियों की मात्रा कूट, मुकुट। क्या है ये? मुकुट। हम टीवी में देखते हैं ना रामायण में मुकुट लगाते हैं राजा लोग। मुकुट कौन लगाता है? राजा लोग। और कृष्ण, कृष्ण भगवान भी लगाते हैं ना मुकुट। है, आप जब कृष्णा बनते हो तब आप भी मुकुट लगाते हो ना अपने सिर पर, तो ये वही मुकुट है। अब हम डॉट पर ट्रेस करेंगे। स्लीपिंग लाइन, फिर है ब, ब में ऊ की मात्रा बू, ल, ब में ऊ की मात्रा बू, ल, बुलबुल। ग, ग में ऊ की मात्रा गु, ड, ड में ऊ की मात्रा डी, य में आ की मात्रा या, गुड़िया। फिर हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। म, म में ऊ की मात्रा मू, न, न में की मात्रा नी, मुनी। स्लीपिंग लाइन, फिर म, म में ऊ की मात्रा मू, क, क में ऊ की मात्रा कू, त, मुकुट। फिर हम करेंगे यहाँ पर, यहाँ है स्लीपिंग लाइन, फिर ये क्या है? बुलबुल है ना। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे, बोल बोल के बनाना है। ब, ब में ऊ की मात्रा बू, द, ब में ऊ की मात्रा बू, ल, बुलबुल। फिर हम यहाँ बनाएंगे ग, ग में ऊ की मात्रा गु, र, र में की मात्रा डी, य में की मात्रा या, गुड़िया। फिर हम यहाँ बनाएंगे म, म में ऊ की मात्रा मू, न, नमे की मात्रा नी, नी। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे म, म में ऊ की मात्रा मू, क, क में ऊ की मात्रा कू, ट, मुकुट। स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से लर्न करना है। ओके, इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से लगानी है, क्योंकि अब आपको ऊ की मात्रा तक के शब्द मैम ने पढ़ा चुके हैं और लर्न भी कराए, रीडिंग भी लगवाई है, इसीलिए आपको भी रीडिंग लगानी है। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 56 है।
ये आपको आपकी वर्कबुक में ही रेनबो वाली में कंप्लीट करना है, और आपको पूरा पेज कंप्लीट करना है। मैम ने 2 लाइंस बताई है, बट आपको पूरा पेज कंप्लीट करना है, वो भी नीट एंड क्लीन राइटिंग में। अगर आपकी राइटिंग जितनी अच्छी होगी मैम, आपको उतने ही प्यारे प्यारे स्टिकर्स और वेरी गुड गुड मिलेंगे, है ना। इसीलिए आपको वर्क बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।